ख़राब हो जाने से, मतलब कि होल सेल्स में जब ख़राब हो जाते हैं तो मोटर राउंड नहीं लेती है। मोटर अपन आगे की ओर बढ़ाएंगे तो राउंड लेने लगेगी, जब टोटल घुमाएंगे तो राउंड नहीं लेगी, मतलब अपने आप राउंड और ताकत नहीं लगाती है। तो ये मोटर के अपन को जो फूल लेना है और ध्यान रखना है कि हरे में हरे और येलो ये सब अपन को खोल लेना और जाके तो नट लगा देने कि इस कारण से गुम ना जाए। ये टाई मोटर में जो डोरी लगी हुई है ये टाई खोल लेनी है। 22 नंबर या 21 नंबर पाने से ये अपन को पीछे का टायर के खोल लेना है। मोटर का जी हब है जी जिसमें ब्रेक्स वगैरह लगे रहते हैं जी, इसको भी आपको खोल लेना है। ये सब खोल लेने के बाद इसका हमने टायर इसलिए निकाल लिया गया है क्योंकि इसका टायर भी चेंज होना था, इसलिए ये टायर भी निकाल लिया गया है। पर आपको टायर निकालने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर ही से ये खुल जाएगा। ये आपको पूरे नट खोल लेने हैं। एलंकी से ये अपन को थोड़ा सा नट जो लगा था वही लगा लेना है। बिना नट के आपको हथौड़ी से ठोकर नहीं मारना, नहीं तो जो उसकी चूड़ी रहती है वो ख़राब हो जाएंगी, इसलिए आपको नट लगा लेना, उसके बाद ही आपको ठोकर देनी है और धीरे से आपको नीचे की ओर रख देना है और ठोक देना है तो मोटर अपने आप निकल जाएगी। ये देख सकते हैं आप मैग्नेट लगी है और ये अपना बैरिंग हो गया, इसमें ऑयल सेंसर जी लगे हैं, इसमें जी ब्लू गन एक ग्लू गन लगी है, जो अपन निकाल लेंगे साफ़ कर लेंगे इसको। जी होल सेंसर लगे हुए हैं जो इसमें जी ख़राब हो चुके हैं, इसको चेंज करेंगे अपन, इसको पेचकस से बाहर की ओर खींच लेंगे। पेचकस से अपन बाहर की ओर खींच लेना है। ये साफ कर लेंगे। इसका जो अब लगाना है इसका नंबर है 3144901 21। ये होल सेंसर पुराना होल सेंसर अपन निकाल देंगे इसमें से। आपको ध्यान रखना है कि किस में कौन सी डोरी लगी थी। जी होल सेंसर में से आप पहले ये डोरी निकाल लेंगे, अगर आपको ध्यान नहीं रहता है तो आप तीन डोरी निकाल लीजिए, तीन डोरी को आप न्यू सेंसर में लगा लीजिए, फिर उसके बाद आप दो डोरी और निकालिए। आपको रेड प्लस में लगाना है और ब्लैक माइनस में लगाना है, ब्लैक माइनस में। उसके बाद आपको ए बी सी डी आएगी तो ए में लगाना है ब्लू, ये दो डोरी और अभी पुराने होल सेल समय से निकाल लेंगे क्योंकि याद ना नहीं रहने से। ये एक और ग्रीन, ये पुराना होल सेंसर है, इसमें से अपन ने जी डोरी निकाल ली गई है। अब जो बी का है उसमें लगाना है एलो, एलो की डोरी अपन लगानी है बी में। अब सी में लगेगी ग्रीन, सी में अपन को ग्रीन लगा देनी चाहिए। अपन का होल सेंसर कंप्लीट हो गया है, मतलब पूरी अच्छी तरह से लगा देना है। होल सेंसर के नीचे और मोटर की वायरिंग के ऊपर टेप का टुकड़ा या फिर जो भी आपके पास हो आप उसको लगा देना, क्योंकि मोटर और जो होल सेंसर के वायर हैं वो आपस में टच ना हो। इसमें आपस से टच होगी तो मोटर में वायरिंग हो सकती है या फिर आपको होल सेंसर फिर से ख़राब हो जाएगा। जी आपको तीनों होल सेंसर अच्छी तरह से मोटर के होल सेंसर में बैठा लेना है। ये होल सेंसर थोड़ी, ये होल सेंसर अपन को आराम से बैठाना है उसी में, बिल्कुल आराम से। अगर आप ज़्यादा
करोगे तो जो होल सेंसर नबक सकते हैं। होल सेंसर बैठाने के सेंसर को अच्छी तरह से ग्लू गन से चिपका देना है। उसके बाद मोटर को जहाँ की तरह फिट करते हैं। आपको सावधानी से करना है क्योंकि इसमें मैग्नेट रहती है, आपके हाथ में लग भी सकती है। जैसे ही आप मैग्नेट के पास जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक ही मोटर उसमें चली जाएगी। ये आपको पूरे नट अच्छी तरह से घस लेने हैं। मोटर को टाइट ही नट करना है क्योंकि इसमें पानी ना जाए, इस कारण से मोटर के नट अच्छी तरह से घसें। पूरी नट घसने के बाद चेक करेंगे कि होल सेंसर काम कर रहा है या नहीं। पूरे नट अच्छी तरह से टाइट करना है। नट टाइट हो जाने के बाद मोटर को चेक करेंगे। इसका टायर चेंज होना है इसलिए दूसरी स्कूटी में इसका मोटर को चेंज करते हैं। अपन मोटर को भी कर लिया है। अब जो मोटर के वायर हैं वो अपन को कंट्रोलर में लगाना है। ये मोटर के वायर तीन वायर रहेंगे, वो आपको कंट्रोलर में लगा देना है। तो आप कलर मैच करके ही लगाना है। और ये अपन को सेंसर का प्लग भी कंट्रोलर में लगा देना है। आप चाबी ऑन करके देखते हैं, ये आपको देखो दिख रहा है ना कंट्रोल के, उसी प्रकार से आपको लगाना है कलर से। चाबी ऑन करके देखते हैं और एक्सीटेड घुमाते हैं तो आप देख सकते हैं मोटर राउंड ले रही है। पहले क्या है, मोटर राउंड नहीं लेती थी। एक्सीटेड घुमाते थे तो मोटर राउंड नहीं लेती थी, अब मोटर आपकी राउंड ले रही है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।